तो गाइस सब ठीक ठाक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चेंसो मैन चैप्टर 134 को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट होते ही हमें डेंजी को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते में चलते हुए कुछ लोगों की ओपिनियन सुनता है अबाउट चेंसो मैन। जहां वो सुनता है कि लोग बोलते हैं कि जिस तरह से चेंसो मैन लड़ता है वो काफ़ी बुरा है, वो बिल्डिंग्स तोड़ देता है, तो वो दूसरे डेविल के जैसा ही तो है, कोई फ़र्क नहीं है, इसकी भरपाई कौन करेगा इतनी प्रॉपर्टीज़ के डैमेज के लिए। फिर थोड़ी देर बाद डेंजी स्कूल में भी जाता है। वो देखता है कि सब चेंसो मैन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां दो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि तुम्हें क्या लगता है नोस्ट्राडेमस आएगा। चेंसो मैन स्कूल में पहले भी दिख चुका है और ऐसी ही मजाक की बातें कर रही होती हैं, और डेंजी काफ़ी डिप्रेसिंग सा फेस बना के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डेंजी को दिखाया जाता है जो कि हेयर ड्रायर से नायुता के बाल सुखा रहा होता है, जहाँ नायुता डेंजी से कहती है कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि चेंसो मैन चर्च में जितने भी बच्चे हैं वो सब ब्रेन वॉश्ड हैं और डेंजरस भी। फिर डेंजी बोलता है कि ये चर्च कुछ टाइम के लिए ही रहेगा क्योंकि मैं दोबारा चेंसो मैन नहीं बनने वाला। जहाँ नायुता पूछती है सच में, डेंजी कहता है कि हाँ, क्योंकि अगर मैंने दोबारा चेंसो मैन बना तो तुम मारी जाओगी और मैं ये नहीं सह सकता। जब योशिदा ने कहा कि मैं चेंसो मैन बने नहीं रह सकता तो मुझे लगा जैसे कि मैं अंदर से टूट गया, पर जब मैंने काफ़ी सोच विचार किया तो मैंने देखा कि यही तो लाइफ चाहिए थी मुझे, एक नॉर्मल लाइफ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो नॉर्मल लाइफ को बीट कर सके। जहाँ नायुता कहती है कि सच में कोई भी चीज़ नहीं जो कि नॉर्मल लाइफ को बीट कर सके, जहाँ डेंजी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाते हैं जहाँ नायुता सो जाती है और डेंजी टॉयलेट में बैठे हुए पोचिता से बात करता है और बोलता है कि हे पोचिता, ये लाइफ तो हमारे लिए हेवन है ना, जहाँ पे शायद हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल चुका है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो मिला है हम उसी में खुश रह सकते हैं। तभी वहाँ म्याऊई आ जाती है और डेंजी बोलता है कि म्याऊई अभी तक सोई नहीं। फिर डेंजी टीवी ऑन करता है और चैनल को चेंज करता रहता है क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर डेंजी एक न्यूज़ चैनल को देखता है जहां वो देखता है कि एक आदमी स्कूल के डेविल हंटर क्लब के एक बच्चे से बहस कर रहा होता है, जहां वो आदमी कहता है कि बिना किसी रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के प्रोटेस्टर से फाइट करने के लिए रिक्रूट किया जा रहा है तुम्हें, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने वरिड होंगे तुम्हारे बारे में, तुम उस चेंसो मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। जहाँ वो डेविल हंटर क्लब का एक मेंबर बोलता है कि हमने पूरे शहर को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी सूचना दे दी है और डेविल हंटर क्लब में सबको रियल लाइफ कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ हमारे लिए खेल नहीं है, हम हैं जिन्होंने चेंसो मैन के टीचिंग्स को फॉलो किया। जहाँ वो आदमी टोकते हुए कहता है चेंसो मैन की टीचिंग्स, पर ऐसा कुछ नहीं है जो उसने तुम्हें डायरेक्टली दिया है ना। जहाँ वो लड़का कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जहाँ लड़का कैप उतारता है और हम देखते हैं कि ये ECU में होता है और उस आदमी से कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो चेंसो मैन खुद से तुमसे बात करेगा। जादेन जी शॉक हो जाता है ये सुनकर और बाकी लोग भी कि चेंसो मैन डायरेक्ट उनसे बात करेगा। जहाँ डेंजी सोचता है कि मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं, तभी सब लोग वहाँ चेंसो मैन को पुकारने लगते हैं। फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ चेंसो मैन, मैं चेंसो मैन चर्च से आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। जहाँ डेंजी हैरान रहता है कि ये क्या हो रहा है, और वो लड़का हर चीज़ बताता है जिससे वो चेंसो मैन लगे। जैसे कि वो बोलता है कि मैं ना पूरी तरह डेविल हूँ और ना ही इंसान, मैं जस्टिस डेविल से लड़ते हुए अपनी पावर को पाया और चेंसो मैन बना, और मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ उसका रीज़न ये है कि मैं इस दुनिया के सारे डेविल को हटाना चाहता हूँ और एक डेविल लेस वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ। जहाँ डेंजी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि नहीं ये सब झूठ है, मैं किसी भी रीज़न से नहीं लड़ता, मैं कई बार मरा हूँ और लोगों ने चेंसो मैन का नाम मुझे दिया है, वो भी खुद से, तुम चेंसो मैन नहीं हो। जहाँ डेंजी रोने लगता है और नायुता भी जग जाती है और डेंजी को और डेंजी के पास आती है और डेंजी को सहारा देती है और उसे पैट करती है, और डेंजी कहता है कि मैं इस लड़के से ज़्यादा रियल चेंसो मैन हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये चैप्टर कैसा लगा?
बाय द वे, पिछले वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं चेंसो मैन की खासकर, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो वीडियोस को लाइक भी किया करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।